सोलन में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक धनीराम शांडिल ने की। धनीराम शांडिल ने विकासात्मक कार्य को लेकर समीक्षा की और रुके हुए कार्य के बारे में जानकारी हासिल की और प्रतिनिधियों को जल्द विकास के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधानों समेत जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी अपनी समस्याएं विधायक और अधिकारियों के समक्ष रखी, जिन्हें अधिकारियों ने जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। अधिक जानकारी देते हुए विधायक धनीराम शांडिल ने बताया कि वे हर 45 दिनों में विकास का जायजा लेने के लिए बैठक का आयोजन करते हैं। आज की समीक्षा बैठक विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और विकास के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सोलन डमरोग मार्ग की हालत बेहद खस्ता है, जिसे ठीक करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मंडे मीटिंग के तहत जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर हमीर भवन में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वे आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के भूमि ट्रांसफर प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा करें, ताकि शीघ्र इनका निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। इसके साथ जो टेबलेट्स आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए गए हैं, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का डाटाबेस तैयार कर 15 दिन में उपायुक्त को रिपोर्ट करें। उपनिदेशक पशुपालन विभाग को भोरंज में जो भूमि विभाग के नाम होनी है, उसके लिए राजस्व विभाग से शीघ्र डेमोक्रेशन करवाकर आगामी प्रक्रिया को अपनाने को कहा गया। प्राथमिक स्कूलों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सार्वजनिक स्थलों के लिए जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है, उसके लिए संबंधित विभाग प्राक्कलन तैयार कर उपायुक्त कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें। नगरपालिका हमीरपुर शहर में विद्युत विभाग के साथ मिलकर जहां पर भी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, उन्हें तुरंत बदले, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर में स्थापित सार्वजनिक शौचालय में स्थायी व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए तथा जो शौचालय सही हालत में नहीं है, उनकी तुरंत मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शहर में बस स्टैंड के पास रेडी फड़ी वालों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवा कर उन्हें अपने कारोबार के लिए शीघ्र दुकानें अलॉट करना सुनिश्चित करें। शहर में लंबित हाउस टैक्स रिकवरी को लेकर आवश्यक पग उठाए जाए। पुलिस विभाग को शहर में यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक पग उठाने को कहा गया, ताकि राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर तुरंत उन्हें दुरुस्त किया जाए। सड़कों के किनारे सूखे पेड़ों को जहाँ किसी हादसे की आशंका है, हटाने के लिए वन विभाग शीघ्र कार्रवाई करें। आईपीएच विभाग पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई को सुनिश्चित बनाए। संस्थागत भवन निर्माण, सड़क निर्माण के लिए किसी भी विभाग को यदि लोगों द्वारा भूमि दान की गई है, तो वह ऐसे लैंड ट्रांसफर के मामले को शीघ्र अपने विभाग के नाम करवाना सुनिश्चित बनाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को जिला में बनने वाले नशा मुक्ति केंद्रों की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क में हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारी एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय को प्राक्कलन तैयार कर भेजे। चिल्ड्रन पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार की मरम्मत तथा पार्क के सौंदर्यकरण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। श्रम विभाग के अधिकारियों को लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लोक मित्र केंद्रों में असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए मुफ्त पंजीकरण की सुविधा है। बैठक में लोक सेवा गारंटी एक्ट तथा ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड पेमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वर्षा जल संग्रहण के लिए जिला में चेक डैम तालाब के निर्माण को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर डीसी
जतन गौतम SDM हमीरपुर शशिपाल जी की सहायक उपायुक्त सुनैना शर्मा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हमीरपुर जिला भर में सोमवार शाम को हुई बारिश कुछ राहत जरूर लेकर आई है। हालांकि बारिश के साथ हवा के कारण आफत भी लोगों के सिर आई, इससे तापमान में गिरावट जरूर आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन हमीरपुर के सुजानपुर उपमंडल में तो बारिश के साथ चली आंधी से लाखों का नुकसान भी आंका गया है। सुजानपुर में करीब 15 मिनट चली आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के कारण करीब 2 दर्जन पेड़ गिर गए। इन पेड़ों की चपेट में आकर 2 दर्जन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं रिहायशी मकान और 2 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पेड़ गिरने से नुकसान भी हुआ है। सुजानपुर टीरक के मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर जाने से ये सड़क बंद हो गई। वैकल्पिक मार्ग सुजानपुर डेरा से यातायात की आवाजाही करवाई गई। सुजानपुर से हमीरपुर मुख्य मार्ग नौली पुल के पास भी पेड़ गिर जाने के कारण कुछ देर मार्ग बंद रहा। इसी तरह सुजानपुर पालमपुर मार्ग में भी विश्राम गृह के पास वृक्ष गिर जाने से यातायात बाधित रहा। हमीरपुर में भी कुछ समय के लिए आई आंधी के कारण बार बार बिजली जाती रही, लेकिन हमीरपुर शहर में कोई नुकसान नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि जिस समय आंधी आ रही थी लोगों ने आवाजाही कम की।